हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और अभी तक हमने इस पे बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोर के सेकेंड अभिग्रहित का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेनेशन कि वास्तव में बोर का जो सेकेंड अभिग्रहित है वो उसका क्वांटाइजेशन का रीज़न नहीं बता पाए। तो आज हम इस क्वांटाइजेशन के रीजन को डी ब्रॉगली की परिकल्पना के आधार पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है गाइस, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। तो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में डी ब्रॉगली परिकल्पना के बारे में पढ़ा था, जो ये कहती है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है। यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल से एक तरंग संबंधित होती है और जिसे डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां एच प्लैंक का नियतांक होता है और पी उसका संवेग होता है। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली परिकल्पना है जो हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होती है। अब हम बात कर लेते हैं बोर्स सेकंड पोस्टुलेट की। बोर का द्वितीय अभिग्रहित बेसिकली क्या कहता है? बोर का द्वितीय अभिग्रहित ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 4 पाई h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, और इस अभिग्रहित का उसने कोई लॉजिकल रीजन नहीं बताया था। ठीक है, तो हम पहले बोर का सेकंड पोस्टुलेट लिख लेते हैं। बोर का सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr जो है वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है जहां पर h प्लैंक का नियतांक है और mvr इसका कोणीय संवेग है। तो इसका इसने कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया था, हम इसी के लॉजिकल रीजन को आज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, बोर का एटॉमिक मॉडल बेसिकली क्या है? बोर का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, हालांकि हम ये देख चुके हैं कि वृत्ताकार कक्षा पॉसिबल नहीं होती है, जो कि हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर बात करी, लेकिन हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर कोई पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहती है कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक तरंग संबंधित होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन से भी एक तरंग संबंधित होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित होगी तो तरंग अप्रगामी तरंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि अप्रगामी तरंग जो है वो कहीं पे मूव नहीं करती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी अगर कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कहीं पे बाहर नहीं जा रहा कक्षा को छोड़ के। इसका मतलब कि उससे संबंधित तरंग जो है वो अप्रगामी तरंग होगी। तो हम क्या लिखते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर तरंग संबंधित होगी, जो कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है और इसका हम सत्यापन कर चुके हैं जर्मन डेविडसन एक्सपेरिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग जो है वो अप्रगामी तरंग होगी। और अप्रगामी तरंग की कंडीशन जो ये होती है कि जिस मीडियम में अप्रगामी तरंग बनती है उस मीडियम की लंबाई अप्रगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इससे संबंधित अप्रगामी तरंग होगी, और अप्रगामी तरंग की कंडीशन है कि जिस मीडियम में वो तरंग बन रही होती है उस मीडियम की लंबाई तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन से अप्रगामी तरंग संबंधित है। क्यों है, किसके अकॉर्डिंग है? ये डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार है। किसके अनुसार है? डी ब्रॉगली के अनुसार। ठीक है, डी ब्रॉगली के अनुसार। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन से अप्रगामी तरंग संबंधित है तथा अप्रगामी तरंग के लिए माध्यम
जिसमें तरंग बनती है की लंबाई, माध्यम की लंबाई तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए। 11th क्लास में मैं ये बता चुका हूँ, जब हमने अप्रगामी तरंग प्रगामी तरंग डिस्कस किए थे तो हमने बात करी थी कि अप्रगामी तरंग की कंडीशन ही ये होती है कि उस माध्यम की लंबाई, जिस माध्यम में तरंग बन रही है उस माध्यम की लंबाई तरंग की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए, यानी कि लंबाई एल जो है वो तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की पूर्ण गुणज यानी कि एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि कि जिस माध्यम में तरंग बन रही है उसमें या तो पूरी की पूरी एक तरंग आनी चाहिए या दो तरंग आनी चाहिए या तीन तरंग आनी चाहिए, तभी अप्रगामी तरंग बनना पॉसिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई क्या है तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो वृत्ताकार कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी लंबाई किसके बराबर आएगी, इस वृत्ताकार कक्षा की परिधि के बराबर आएगी। तो यहाँ पर हम लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई किसके बराबर आएगी, परिधि, और परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं, वी नो दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से दी जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, और जहां पे पी क्या होता है, संवेग होता है, तो संवेग को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको मैंने दे दिया समीकरण दो। समीकरण दो से इस लैम्डा का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण एक में, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2πr इज इक्वल टू एन, और इस लैम्डा की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी। क्लियर है गाइस, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये जो m और v है ये इसके भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा में आ जाएंगे, तो आ जाएगा 2πr और m v और r, तो m v r इज इक्वल टू एन एच, ये 2πr इसके क्या है गुणा में, उधर जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा m v r इज इक्वल टू एन एच और अपॉन 2πr। तो हम क्या देखते हैं कि डी ब्रॉगली परिकल्पना से भी वही रिजल्ट निकलता है जो रिजल्ट हमें बोर के सेकंड अभिग्रहित में देखने को मिलता है। ये वाला फार्मूला देखिए और ये वाला फार्मूला देखिए, एग्जैक्टली सेम है, मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित माने, जो कि वास्तव में होती है क्योंकि हम डी ब्रॉगली परिकल्पना को सत्य साबित कर चुके हैं जर्मन डेविडसन एक्सपेरिमेंट से कि प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से तरंग संबंधित होती है, और इवन उस एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन से ही तरंग संबंधित होने की पुष्टि करी थी। ठीक है, तो जब अपन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को इस मॉडल पे अप्लाई करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जो कि बोर का सेकंड अभिग्रहित कहता है कि कोणीय संवेग mvr का जो मान है वो h अपॉन 2πr का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट सेम है, मतलब ये बोर का सेकंड अभिग्रहित जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं कि मैथमेटिकली तो हमने ये डिराइव कर दिया कि डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है उससे एक तरंग संबंधित होगी, और उस थ्योरी को यूज करके हम बोर के सेकंड पोस्टुलेट को डिराइव कर सकते हैं कि भाई इसका कोणीय संवेग एच अपॉन 2πr का पूर्ण गुणज होना चाहिए, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अन्यथा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका वास्तव में क्या सेंस है। इसका वास्तव में ये सेंस है, यहां से हम क्या देखते हैं कि लंबाई जो है माध्यम की लंबाई वो तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए। ठीक है, माध्यम की लंबाई तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होनी चाहिए, यानी कि यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जो वृत्ताकार है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य इस पूरी परिधि में फिट बैठनी चाहिए। कहने का यह मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन से तरंग संबंधित है, मैं यहाँ पे तरंग बना देता हूं, है ना, आराम से डायग्राम को देखिएगा, तो देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन से कोई तरंग संबंधित है, तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो उस पूरी परिधि में एक समान रूप से फिट बैठनी चाहिए। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे कितनी तरंग दैर्ध्य हम देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक लैम्डा, फिर यहां से लेके यहां तक ये वापस कितनी दो,
फिर यहां से लेके वापस यहां तक कितनी, तीन, और यहां से लेके वापस यहां तक कितनी, चार। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। बोर का द्वितीय अभिग्रही तो यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होगा। ये मैथमेटिकली है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य पूर्ण रूप से फिट बैठती है, है ना? यहां पे हम देखते हैं कि ये जो वृत्ताकार कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य कितनी फिट बैठ रही है, चार। ये जरूरी नहीं है कि चार ही हो, पूरी की पूरी तरंग उसमें फिट होनी चाहिए, या तो पूरी एक तरंग उसमें फिट होनी चाहिए, या फिर पूरी दो तरंग, या फिर तीन तरंग, चार तरंग। ऐसा नहीं हो कि 1.5, 1.75, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं की लंबाई उसकी तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग जो है वो पूरी तरह से उस कक्षा में फिट बैठती है, तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अन्यथा उन कक्षा में रिवॉल्व नहीं करता। तो ये बेसिकली बोर का सेकंड अभिग्रहित कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है जिन कक्षा की लंबाई उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया गाइस, ये हमने डिस्कस कर लिया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से बोर के सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके फेयर काम में कर दीजिएगा, ठीक है गाइस? चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं अपन। चलिए देखिए, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके मैं पीडीएफ फाइल आपको नहीं दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा पार्टिकल ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज लॉन्च्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस जेड इज इक्वल टू 22, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ई के, वो दे रखी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है, 8 मेगा का मतलब 10 to the power 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का कोई अल्फा पार्टिकल है, ये किसकी एनर्जी दे रखी है, अल्फा पार्टिकल की दे रखी है। इसको हम किसी न्यूक्लियस पे लॉन्च करते हैं, किसी नाभिक पे लॉन्च करते हैं, उस नाभिक का परमाणु क्रमांक दे रखा है 22, ठीक है? तो ये कौन सा होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना? 21 नंबर, 21 पे क्या आता है, 22 नंबर है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल देख लेना, 22 पे कौन सा आता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हमें इसके क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दे रखी है जो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो 22 परमाणु क्रमांक वाले किसी न्यूक्लियस पे लॉन्च किया जाता है, तो वो उस न्यूक्लियस के कितना नजदीक पहुंचेगा, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, इसको अपन को ज्ञात करना है, ठीक है गाइस? तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, जब किसी न्यूक्लियस पे हम अल्फा पार्टिकल को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जैसे जैसे इसके पास जाता है काइनेटिक एनर्जी तो घटती है और उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये इसके नजदीक कब आएगा, सबसे नजदीक जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में, क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहां पर इस नाभिक में कितने प्रोटॉन है, Z, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश, E के बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, Ze। अल्फा पार्टिकल जो है मैं बता चुका हूं हीलियम का नाभिक होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं 2He4, तो इसमें दो प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, मतलब इसके आवेश को क्या लिखा जा सकता है 2E। तो
तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो हमें दे रखी है जो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 8 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1.6 × 10^-19, तो ये जूल में बदल जाएगा। ठीक है, इसको व्यवस्थित तौर पे अगर वापस लिखे तो क्या आ जाएगा, 8 × 1.6 × 10^-19 + 6 − 13 जूल, ये एनर्जी जूल में आ गई। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होती है K Q1 Q2 और अपॉन R। ठीक, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसकी वो है 8 × 1.6 × 10^-13 इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R, तो यहाँ आ जाएगा K Q1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2E प्रोटॉन पर आवेश, Q2 की जगह इस नाभिक पर आवेश Ze और अपॉन R। हमें तो इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है R, तो R को इधर लाएंगे तो ये सारा इसके नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू K, K का मान होता है 9 × 10^9। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ चुके होंगे 2, ये 2 अलग से, Z का मान कितना दे रखा है 22, तो ये Z का मान कितना आ जाएगा 22 इंटू E इंटू E, तो ये E इंटू E क्या आ जाएगा E का स्क्वायर, और E का मान क्या होता है 1.6 × 10^-19 और उसका क्या है गाइस स्क्वायर है, और अपॉन यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 1.6 × 10^-30। क्लियर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच R इज इक्वल टू, सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 9 × 22 = 44 × 9 × 10^9 इंटू ये आ जाएगा 2.56 × 10^-38 और अपॉन 8 × 1.6 × 10^-13। क्लियर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल, 1.6 टाइम कैंसिल, ऊपर जाएगी वैल्यू, इट बिकम्स R इज इक्वल्स टू 22 × 4 × 11 × 2 ऑलराइट, ये आ जाएगा 0.8 times, ये आ जाएगा 0.8 × 10^, ये 38 और प्लस का 9 माइनस का 38 प्लस का 9 और माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का 13, तो R इज इक्वल टू, यहाँ से हमको छूट तो नहीं जाता है देख लीजिए, चलिए ओके, तो यहाँ से R इज इक्वल टू मेरे पास अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 8.8 × 10^, यहाँ से देख लीजिए 9 और 13 22 22 और 38 22 गए तो माइनस का 16 मीटर, ये मेरे पास इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हम किसी अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको किसी नाभिक पर आपतित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 22 है तो वो उसके कितने नज़दीक पहुंचेगा, वो उसके 8.8 × 10^-16 मीटर तक नज़दीक पहुंच जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा अपने फेयर काम में। ओके गाइज, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे अपन 9 को मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो 9 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इंटू नाइन, सो इट बिकम्स R इज इक्वल टू 79 point something, है ना, कितना आ जाएगा 9 × 2 = 79 79.2 × 10^-16 मीटर। क्लियर, तो ये इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी। इसको और थोड़ा व्यवस्थित लिखें तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 7.92 × 10^-15 मीटर, −10^-15 मीटर को फर्मी कहते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया डन, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट आर स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड इज 56 per minute। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अगर 90 डिग्री कोण पर विचलित होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या 56 है प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है N1 वो है 56 per minute, कितना एंगल पर, एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर विचलित होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या है 56 अल्फा पार्टिकल प्रति मिनट, और देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 120
डिग्री। तो हमें निकालना है कि 60 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स प्रति मिनट विचलित हो रहे होंगे और 120 डिग्री पर कितने पार्टिकल प्रति मिनट विचलित हो रहे होंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि जब अल्फा पार्टिकल को स्वर्ण पत्र पर आपतित कराया जाता है तो 90 डिग्री पर विचलित होने वाले पार्टिकल्स जो है वो तो है 56 पार्टिकल प्रति मिनट, 56 पार्टिकल 90 डिग्री पर विचलित होते हैं। हमें निकालना है 60 डिग्री पर प्रति मिनट कितने पार्टिकल विचलित हो रहे होंगे और 120 डिग्री पर प्रति मिनट कितने पार्टिकल विचलित हो रहे होंगे। तो याद कीजिए, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था और कहा था कि एग्जाम में अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या साइन टू दी पावर 4 थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होती है। और मैंने बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसी का ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन किस तरह से होगा। वी नो दैट एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, यही हमने पढ़ा था। एन टू द पावर एन इज प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अगर एन वन की बात करें तो क्या आ जाएगा, एन वन बराबर, अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटाता हूँ तो वैसे मेरे पास क्या बचता है, कॉन्स्टेंट बचता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि एन वन इज इक्वल टू के अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है, n1 मेरे पास कितना दे रखा है, चलो मैं इसको नहीं लिखता वैसे, तो इसी तरह से n2 मेरे पास क्या आ जाएगा, n2 बराबर आएगा k sin टू द पावर 4 और थीटा 2 बाई 2 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, थीटा 2 बाई 2 इसको मैंने दे दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देते हैं भाग, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू यहाँ पे k अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाई 2 और अपॉन k अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2। क्लियर, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये तो जाएगा ऊपर, ये क्या आ जाएगा नीचे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाई 2 और अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2। अब मेरे पास सारी वैल्यू दे रखी है, देखिए n1 की वैल्यू कितनी है 56, तो वैल्यू पुट कर देते हैं n2 की जगह, तो n2 और इसकी जगह 56। साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाई 2, थीटा 2 कितना दे रखा है मेरे को, थीटा 2 दे रखा है 60, तो याद आएगा 60 अपॉन 2। देखो इस साइन 4 थीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा टू द पावर 4, दोनों का एक ही मतलब होता है, है ना, और अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन टू द पावर थीटा 1 कितना दे रखा है, थीटा 1 दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 90 अपॉन 2 टू द पावर 4। क्लियर, तो क्या आ जाएगा n2 अपॉन 56 इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 4। साइन 90 अपॉन 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 टू द पावर 4, यह आ जाएगा 1/2 की घात 4 कितना होता है 16 होता है और यहाँ पे अंडर रूट 2 की घात 2 होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n2 upon 56 is equal to 4 तो जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे, ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा मेरे पास 1/4। क्लियर है गाइस, तो n2 upon 56 is equal to आ जाएगा 1/4, ये आएगा, ठीक है 1/4, तो n2 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 56/4 और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 14 के आसपास आएगी, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। देखिए यहाँ पे अपन ने ये कर दिया, ये थीटा 1 ऊपर जाएगा गाइस, थीटा 2 नीचे आएगा, यहाँ से थीटा 1 ऊपर आएगा थीटा 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 60, यहाँ आएगा 1/√2 तो उसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4, यहाँ आएगा 1/2 उसका स्क्वायर खोलेंगे तो 16, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16/4 तो ये बन जाएगा 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 और 4 को 56 से अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
224 दो 20 दो 22 पर मिनट, ठीक है। यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल की अपन बात करें, है ना, जो कि 90 डिग्री पर 56 अल्फा पार्टिकल विचलित हो रहे प्रति मिनट, तो 60 डिग्री पर प्रति मिनट जो है वो 224 अल्फा पार्टिकल विचलित होंगे। ये हमने 60 डिग्री वाले की बात कर ली। दूसरा हम बात कर लेते हैं 120 डिग्री वाले की, तो इसको अपन रफ कर देते हैं गाइस। ठीक, इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और इस इक्वेशन में यहाँ पर हम N1 और N3 लिख देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थीटा 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, N3, तो यहाँ पर मेरे पास थीटा 2 की जगह थीटा 3, तो वापस ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा N3 अपॉन N1 इज इक्वल टू, ये थीटा 1 वाला पोर्शन ऊपर साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2, और ये आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा 3 बाई 2। क्लियर, यहाँ से आ जाएगा N3 अपॉन, वैल्यू देखो N1 की वापस ये थी 56, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 1 कितना, थीटा 1 है 90 और अपॉन 2 और इस पूरे का पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा 3 कितना दे रखा है, थीटा 3 दे रखा है 120, तो साइन 120 अपॉन 2 और इस पूरे की पावर कितनी 4, ये आ जाएगा मेरे पास N3 अपॉन 56 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन 45, साइन 45 का वही वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 टू द पावर 4, साइन 120 बटे 2, साइन 60, साइन 60 का होता है अंडर रूट 3 बटे 2 की घात 4, ये आ जाएगा N3 अपॉन 56, इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था 1/4, तो यह आ जाएगा 1/4, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 इसको करेंगे 4 बार तो ये तो आ जाएगा 9, और 2 का कितना हो जाता है 16, उल्टा सुल्टा हो जाएगा 16/9 और इंटू 1/4 N3 अपॉन 56 इज इक्वल टू, इसमें इसका कितनी बार गया 4 बार, तो यह आ जाएगा 56 इंटू, अब यह आ जाएगा 4/9, ठीक है, ओके okay, यह आ जाएगा N3 इज इक्वल टू 56 इंटू 4/9, यही आ गया गाइस 56 अपॉन 4/9, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एक्यूरेट तो नहीं आएगी लेकिन अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देख लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू अगर हम देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी 25 पर मिनट, है ना, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अपन इसको ये मान सकते हैं 25 अल्फा पार्टिकल पर मिनट। तो हम देखते हैं कि अगर 120 डिग्री एंगल पर जो प्रकीर्णित होने वाले अल्फा पार्टिकल हैं उनकी संख्या कम है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस से इस बोर के सेकंड अभिग्रहित के बारे में और साथ ही न्यूमेरिकल के बारे में। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में एक लेक्चर में और अपलोड करूंगा जिससे थोड़े कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एंड देन आपका ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में, थैंक यू सो मच।